Yes, friends, today I am going to teach you lesson number 14 of Social of class 3. The chapter name is Delhi. Delhi is one of the most important cities of India. Bharat ka sabse mukhya shahar Delhi hai. It is the capital of India. Ye Bharat ki rajdhani hai and one of the largest city in India aur Bharat mein ek sabse bada shahar hai. This city has the two part, namely is shahar ke do bhag hain. Old Delhi and New Delhi. New Delhi became the capital of India in 1911 during the British rule. British rule mein Nayi Delhi ko capital banaya tha 1911 mein. Earlier the capital of India was Calcutta aur isse pehle Bharat ki jo rajdhani thi wo Calcutta thi, which is now known as the Kolkata. Jab aaj hum usko Kolkata ke naam se jante hain. Delhi is one of the seven union territories of India. भारत में सात यूनियन टेरिटरीज हैं, उनमें से दिल्ली भी एक यूनियन टेरिटरी है. एंड इज द स्पेशल, इट इज़ कॉल्ड एनसीटी, और इसको एनसीटी कहा जाता है. एनसीटी स्टैंड फॉर नेशनल कैपिटल टेरिटरी. द एंटायर एनसीटी ऑफ दिल्ली इज इट्स नियर बाई एरिया आर कलेक्टरी कॉल्ड एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन. नेशनल कैपिटल रीजन एनसीटी दिल्ली और इसके आसपास के एरिया को एनसीआर बोला जाता है. Delhi is the metropolitan city. Delhi को metropolitan city भी बोला जाता है. Location, इसकी क्या स्थिति है. Delhi is located on the bank of the river Yamuna. Delhi यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है. हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश आर इट्स नेबरिंग स्टेट. हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य हैं. क्लाइमेट, यहाँ की कैसी जलवायु होती है. Delhi is a city of the extreme climate. यहाँ की जलवायु extreme होती है, with very hot summer. Summer बहुत गर्म होते हैं and cold winters. Winters में बहुत ठंड पड़ती है. Rains are caused by the monsoons between the July and September. Dust storms are also common. और जुलाई और सितंबर में यहाँ बारिश होती है और यहाँ पे जो समर्स में यहाँ पे जो है तूफान आते हैं. Historical background, यहाँ की ऐतिहासिक background क्या है. Delhi is one of the oldest cities of India. There is a fort known as the Purana Kila. और दिल्ली में एक पुराना किला है. It is said to be built by the Pandav. और ऐसा कहा जाता है ये पांडव ने बनाया था. This city is at the time of was known as the Indraprastha. और इस सिटी को उस समय इंद्रप्रस्थ कहा जाता था. The area near the Red Fort and the Jama Masjid was called Shahjahanabad. और ऐसा एरिया जो कि रेड फोर्ट और जामा मस्जिद के आसपास का एरिया है उसको शाहजहानाबाद बोला जाता है. दिस वाज बिल्ट बाय द मुगल एम्परर, और ये मुगल एम्परर ने बनाया था, शाहजहां ने बनाया था, इसलिए उसको शाहजहानाबाद का नाम दिया गया. वन पार्ट ऑफ द दिल्ली इज प्लान्ड, और दिल्ली का एक पार्ट जो है प्लान्ड है, सिस्टमेटिक बसा हुआ है. एंड इज कॉल्ड द न्यू दिल्ली, और उसको न्यू दिल्ली बोला जाता है. इट वाज प्लान्ड बाय द इंग्लिश आर्किटेक्ट, और ये न्यू दिल्ली का जो नक्शा बनाया था इंग्लिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस ने बनाया था. गवर्नमेंट, सरकार, ऑल गवर्नमेंट ऑफिसेस, पार्लियामेंट हाउसेस, राष्ट्रपति भवन एंड सुप्रीम कोर्ट एंड मेनी अदर्स आर द सिचुएटेड हियर. ये सभी चीज़ें दिल्ली में बसी हुई हैं, पार्लियामेंट हाउस, राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट. इट आल्सो हैज़ इट्स ओन स्टेट गवर्नमेंट, और दिल्ली की अपनी भी सरकार है, है विद चीफ मिनिस्टर, और यहाँ का भी एक चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री पाया जाता है. प्लेसेस वर्थ विजिटिंग, और यहाँ पर कौन कौन सी जगह घूमने की हैं. फर्स्ट कुतुब मीनार. कुतुब मीनार इज़ लोकेटेड एट मेहरौली. कुतुब मीनार मेहरौली में बसी हुई है इन दिल्ली. इट इज़ वेरी ओल्ड मोनूमेंट, और ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है. इट वॉज बिल्ट इन 1206 बाय द कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुब मीनार को 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था. लोटस टेम्पल. द लोटस टेम्पल दिल्ली वॉज इट्स नेम फ्रॉम द डिज़ाइन, जैसा कि इसके नाम से ही पता है लोटस के आकार का इसका आकृति बनी हुई है, इसको लोटस टेम्पल बोला जाता है. इट वॉज डिज़ाइंड बाय द ईरानियन आर्किटेक्ट, इसको ईरान के एक आर्किटेक्ट ने बनाया था, फिरोज शाहबा. इफ़ यू विजिटेड, अगर आप इसको घूमेंगे इसमें, यू विल फाइंड इट ए वेरी पीसफुल प्लेस, ये बहुत शांति वाला स्थान है. पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स विजिट टू सी इट्स ब्यूटी. राष्ट्रपति भवन.
इट इज़ द रेजिडेंस ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ये भारत के राष्ट्रपति का रेजिडेंस है, निवास स्थान है। इट इज़ सिचुएटेड ऑन द रायसीना हिल्स, यह रायसीना हिल्स पर बना हुआ है। इट वॉज बिल्ट बाय द ब्रिटिशर्स, ये भी ब्रिटिशर्स ने बनाया था। इट हैज़ ए ब्यूटिफुल गार्डन कॉल्ड मुगल एम्परर, और इसमें एक सुंदर गार्डन पाया जाता है जिसका नाम मुगल गार्डन है। विच ओपन्स फॉर द जनरल पब्लिक इन द मंथ ऑफ फरवरी एवरी ईयर, यह फरवरी में जनरल पब्लिक के लिए खोला जाता है हर साल। बाई नियर बाई देयर आर द टू ब्लॉक्स, और यहाँ पे दो ब्लॉक्स हैं इस बिल्डिंग के, द नॉर्थ ब्लॉक एंड द साउथ ब्लॉक। दीज आर द पार्ट ऑफ द सेंट्रल सेक्रेट, ये सेंट्रल सेक्रेट के पार्ट्स हैं। विच हैज़ द ऑफिस ऑफ ऑल द मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर, जहाँ पर मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर्स के ऑफिस पाए जाते हैं। इंडिया गेट, इट वॉज बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ द इंडियन सोल्जर्स हु डाइड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार, और ये जो इंडिया गेट बनाया गया है ये हमारे इंडियन सोल्जर्स की यादगार में बनाया गया था, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में, जो कि 1914 से 18 तक चली, उसमें शहीद हुए थे, उनके यादगार में इंडिया गेट का निर्माण हुआ। इट इज़ द इंडियन टॉम ऑफ द अननोन सोल्जर्स एंड अमर जवान ज्योति बर्न्स हियर डे एंड नाइट, और यहाँ पे अमर जवान ज्योति दिन और रात जलती है। पार्लियामेंट हाउस, इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंप्रेसिव बिल्डिंग इन दिल्ली, यह एक बहुत इंप्रेसिव बिल्डिंग है पार्लियामेंट हाउस, जो दिल्ली में सिचुएटेड है। द आर्किटेक्ट हु डिज़ाइंड दिस ब्यूटिफुल बिल्डिंग वर एडविन ल्यूटेंस, और जिन आर्किटेक्ट ने ये बिल्डिंग बनाई थी उसका नाम ल्यूटेंस और हर्बर्ट बेकर था। लॉज फॉर द कंट्रीज आर मेड हियर, और भारत के संविधान में यहाँ पे नियम बनाए जाते हैं। रेड फोर्ट, लाल किला, लाल किला और द रेड फोर्ट वॉज बिल्ट बाय द एम्परर शाहजहाँ, लाल किला शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। इट इज़ मेड ऑफ द रेड सैंड स्टोन, ये लाल रंग के पत्थरों से बनाया गया था। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होस्ट द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट ऑन द इंडिपेंडेंस डे एवरी ईयर, और हर साल इंडिपेंडेंस डे के दिन यहाँ के भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं यहाँ पर झंडा फहराते हैं। रिलीजियस प्लेसेस, और यहाँ पे कौन कौन सी रिलीजियस प्लेसेस हैं आइए देखिए। दिल्ली हैज़ ए नंबर ऑफ द रिलीजियस प्लेसेस टू, इट इज़ ड्यू टू द मिक्स्ड पॉपुलेशन ऑफ द हिंदूज क्रिश्चियंस मुस्लिम सिख एंड जैन्स, और दिल्ली में सभी मिक्स्ड पॉपुलेशन रहती है, हिंदू क्रिश्चियंस मुस्लिम और सिख और जैन सभी रहते हैं यहाँ पर। अक्षरधाम इज़ ए स्वामी नारायण टेम्पल कॉम्प्लेक्स, और अक्षरधाम मंदिर जिसको कि स्वामी नारायण टेम्पल भी कहा जाता है, इन द ईस्ट ऑफ दिल्ली, ये दिल्ली के पूर्व में बसा हुआ है। दैट डिस्प्लेज ट्रेडिशनल हिंदू कल्चर, जो कि हिंदू कल्चर को शो करता है। गुरुद्वारा बंगला साहिब लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ द दिल्ली, गुरुद्वारा बंगला साहिब दिल्ली के हार्ट में बसा हुआ है। इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेसेस वर्शिप फॉर द सिख, जहाँ ये सिखों का मुख्य तीर्थ स्थान है। जामा मस्जिद द लार्जेस्ट मॉस्क इन इंडिया, जामा मस्जिद जो कि लार्जेस्ट सबसे बड़ी एक मस्जिद है भारत की, वॉज बिल्ट बाय द शाहजहाँ, ये भी शाहजहाँ ने बनवाई थी। द दिगंबर जैन लाल मंदिर इज़ वेरी प्रोमिनेंटली सिचुएटेड इन चांदनी चौक इन दिल्ली, और चांदनी चौक दिल्ली में दिगंबर जैन लाल मंदिर बना हुआ है। इट्स इम्पोजिंग रेड स्ट्रक्चर्स ग्रीट्स वन एंड ऑल इन द मेन मार्केट, ये मेन मार्केट में लाल रंग का बना हुआ है। द सेंट स्टीफन्स चर्च इज़ वन ऑफ द ओल्ड मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ दिल्ली, और सेंट स्टीफन्स चर्च भी यहाँ की एक शान है दिल्ली की। दैट इज़ स्टिल अलाइव एंड इन यूज, यहाँ पे लोग प्रेयर करते हैं क्रिश्चियंस लोग। अदर इम्पोर्टेंट प्लेसेस, और दूसरे मुख्य स्थान, इफ़ यू गो टू चाणक्यपुरी, अगर आप चाणक्यपुरी जाते हैं, यू विल सी मैनी बिल्डिंग्स विद द डिफरेंट फ्लैग्स ऑन देम, आप वहाँ पे बहुत सारे बिल्डिंग देखेंगे जो अलग अलग प्रकार के झंडे वहाँ पे लगे हुए होंगे। दीज आर द एम्बेसीज, इनको एम्बेसी कहा जाता है, ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज, और अलग अलग कंट्रीज की यहाँ पे एम्बेसी बनी हुई है। देर आर ऑल्सो द ब्यूटिफुल गार्डन्स लाइक द लोधी गार्डन, और यहाँ पे बहुत सारे गार्डन बने हुए हैं जिसमें लोधी गार्डन, मुगल गार्डन, ये सभी पाए जाते हैं इन द सिटी। डॉस म्यूजियम, नेहरू प्लेनेटेरियम, रेल म्यूजियम, जंतर मंतर, कनॉट प्लेस, हुमायूं टॉम्स, ये सभी चीज़ें दिल्ली में पाई जाती हैं। आर ऑल्सो प्लेसेस ऑफ द इंटरेस्ट वर्थ विजिटिंग, और यहाँ पे टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं, सभी घूमते हैं। द समाधीज ऑफ अवर नेशनल लीडर्स आर ऑल्सो लोकेटेड इन दिस सिटी,
और यहाँ पर हमारे जो नेशनल लीडर्स हैं उनकी समाधि बनी हुई है, राजघाट, राजघाट समाधि ऑफ द गांधी जी, ये गांधी जी की समाधि है। शांतिवन समाधि ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, विजय घाट समाधि ऑफ लाल बहादुर शास्त्री, शक्ति स्थल समाधि ऑफ इंदिरा गांधी एंड वीर भूमि समाधि ऑफ राजीव गांधी। ट्रांसपोर्ट, यहाँ का आवागमन यातायात कैसा है? द रिसेंट डेवलपमेंट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द मेट्रो ट्रेन्स, यहाँ पे मेट्रो ट्रेन्स अभी हाल फिलहाल में बना है। जर्नी बाय द मेट्रो ट्रेन इज़ वेरी क्विक एंड कंफर्टेबल, और अगर आप मेट्रो ट्रेन में जर्नी करते हैं तो बड़ी आरामदायक आपको लगेगी। दिल्ली, दिल्ली हैज़ वेरियस मीन्स ऑफ द अदर ट्रांसपोर्ट लाइक बसेस, ट्रेन्स, टैक्सीज, ऑटो अपार्ट फ्रॉम द मेट्रो, और दिल्ली में दूसरे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज भी हैं जैसे बसेस हैं, ट्रेन्स हैं, टैक्सी हैं, ऑटो हैं। एजुकेशन, और यहाँ पे एजुकेशन की क्या स्थिति है देखें, देर आर मैनी कॉलेजेस एंड फेमस यूनिवर्सिटीज इन दिल्ली, दिल्ली में बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी DU, JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंड जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी आर वेल नोन यूनिवर्सिटीज़, ये सभी यूनिवर्सिटीज़ वेल नोन यूनिवर्सिटी हैं। हेल्थ सर्विसेज, और यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएँ, दिल्ली हैज़ मैनी प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल्स, दिल्ली में पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी पाए जाते हैं। द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ द मेडिकल साइंसेज एम्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ देम, और उनमें से सबसे मुख्य जो है एम्स है। पीपल पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स एंड फ्रॉम ऑल रीजन्स स्टेट एंड एरियाज ऑफ द इंडिया लिव इन दिल्ली मेकिंग इट ए मिनी इंडिया, और यहाँ पे हर स्टेट के लोग पाए जाते हैं, उसको एक मिनी इंडिया भी बोला जाता है। पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, अलग अलग प्रकार, यहाँ पे जैसे लोग अलग अलग स्टेट के रहते हैं तो उनकी लैंग्वेज भी अलग अलग हैं। वेयर डिफरेंट ड्रेसेस एंड सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स, और अलग अलग ड्रेसेस पहनते हैं और अलग अलग त्यौहार भी मनाते हैं। बट देर इज़ ए ग्रेट यूनिटी इन द डाइवर्सिटी, और परंतु वो विविधता में भी एकता शो करते हैं। दिल्ली इज़ द हार्ट ऑफ द इंडिया, दिल्ली भारत का हार्ट है एंड इज़ फुल ऑफ एक्टिविटीज़। यू माइट हैव हर्ड ऑफ द रामलीला मैदान, आपने रामलीला मैदान के बारे में सुना होगा। वेर इम्पोर्टेंट पब्लिक मीटिंग्स आर हेल्ड, जहाँ पर मुख्य रूप से पब्लिक मीटिंग होती हैं। प्रगति मैदान इज ऑल्सो ए फेमस बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स विच इज़ ए प्लेस फॉर लार्ज एग्जीबिशन एंड मीटिंग इन द न्यू दिल्ली, और प्रगति मैदान में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं जहाँ पर के एग्जीबिशन वगैरह होती हैं। तो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर।